सारी बातें हैं और ये जब तक सेंसेशनलिज्म नहीं जाएगी सिर्फ, तो वो फिर उनकी ज़िंदगी उतनी मिलती है। जैसे एक गाना गाया, तू जो नहीं है कुछ भी नहीं है, जैसे मिसाल तौर पर, या वो जो बिटवीन माई मदर एंड मी वी हैव गिवन वन होल सेंचुरी टू ब्रॉडकास्ट, उनके 50 या 54 ईयर्स में मती शब से तो कहीं बेहतर थम्मा जलाए जाते सिलसिले तो मरना जाना कितना सारा एक उम्र जाते सिलसिले तोड़ गया जाते सिलसिले तोड़ गया जाते जाते वरना इतने तो मरास आते बर्बाद न कर बर्बाद ए इश्क हमें बर्बाद न कर छेड़ा के हमें हम भूले हो को याद न कुछ जिस दिन से बंधा है ध्यान तेरा घबराए हुए से रह हर वक्त तसव्वुर कर कर के शर्माए हुए से इश्क हमें बर्बाद न कर दुनिया में अपना क्या है इस दुनिया में अपना क्या है कॉलेज है मेरी तदरीस का तेरे आगे झुकती है उठती नहीं मेरी निगाह मैंने जब पहला कदम रखा था यहाँ जाहिल थी मैं हाथ में कशकोल था मेरे दिल में घर करने लगा यानी एक तारीख नगरी में सहर करने लगा किस कदर जहाँ गुस्ल है बीते हुए वो इम्तहा इम्तहा वाबस्ता है जिनसे बहुत सी तलखियाँ पता ये मेरी दुनिया फुर्सतें दे या ना दे बीते लम्हों को भुला दो कोई मुझसे कह भी दे तुझे वास्ता खुदा का मेरा गम भी तुम उठाना मैं तुम्हें जो भूल जाऊं मुझे तुम नहीं भुलाना प्यार कभी पाई थी यही जनेकार कभी मैंने भी Thank you.
तेरी आवाज के साए तेरे हो मैडम इधर देखिएगा प्लीज जी ओके थैंक यू थैंक यू आपका जो मीडिया है आपका जो न्यूज़ ट्रांसमिशन है उसमें काफी चेंज आ चुका है ठीक है क्या कहेंगे इसके बारे में मैंने अभी जब बात कर रहे थे तो मैंने यही कहा कि हम खबर खबर की तरह पढ़ते थे ना हम खबर को ड्रामा नहीं करते थे क्योंकि खबर एक मुख्तलिफ चीज़ है ड्रामा एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है अब इतनी सेंसेशनलिज्म होती है आवाज़ में न्यूज़ कास्टर के जितनी कि न्यूज़ सेंसेशनल नहीं होती जितना वो न्यूज़ कास्टर उसको सेंसेशनलाइज करता है यू नो और हमने जितना भी सीखा ज़िंदगी में ब्रॉडकास्टिंग से तो हमने ये सीखा कि एक स्केल होता है आवाज़ पूरी इस्तेमाल करके और वो वहीं रखना चाहिए अब हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म आज चीन के दौरे पर चले गए अरे वाह आप साथ तो नहीं गए ना यू नो सो देर हैज़ टू बी कोई वर्कशॉप्स कोई रेडियो पाकिस्तान के पास इतना बड़ा अकेडमी है पाकिस्तान टेलीविज़न के पास अकेडमी है तो उसमें दूसरे चैनल्स में जो काम करते हैं आएँ हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं न्यूज़ कास्टिंग में आपने न्यूज़ से मुतालिक पूछा शाइस्ता जैद हैं मज़हर निसार हैं अज़हर लोधी हैं तारिक है मतलब बुलाएं उनको इशरत फातमा हैं जिन्होंने सचमुच खबरें पढ़ी हैं और जिनकी बात सुन के लगता था कि मुस्तनद बात है ना कोई मजाक नहीं हो रहा तो खबर को खबर रहने देना चाहिए और न्यूज़ पढ़ने वाले को उसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो ज़रा सी कम करना चाहिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जी फरमाइए मैंने तो पाया ही पाया उसकी मेहरबानी अल्लाह की मैंने तो पाया ही पाया और रेडियो में मेरी ज़िंदगी जितनी गुजरी लेकिन बात यह है कि न्यूज़कास्टर्स वो रेडियो से सीख के आते थे अच्छे जितने आपको एक्टर्स भी मिलेंगे आज तक जिनकी ज़िंदगी है फील्ड में वो रेडियो से आए हैं क्योंकि रेडियो आपकी नोक पलक दुरुस्त कर देता था वो एक अकेडमी की हैसियत का काम करता था और जब मैं छोटी थी तो मैं समझती थी मैं न्यूज़ कास्टर बनूंगी क्योंकि मैं सुनती थी ना जब वो कहती थी दिस इज़ रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ रेड बाय अनीता गुलाम अली उफ़ वो दिल में उतर जाती थी बेटा तो वैसी आवाज़ें उतार चढ़ाव तो होता है लेकिन कोई सीखने की जगह भी होनी चाहिए यू नो जहाँ कोई अकेडमी जब गवर्नमेंट की अकेडमीज़ हैं तो उसमें आके थोड़ा सा अपना दुरुस्त कर लें हालांकि वो हमसे बहुत अच्छे हैं मैं नहीं कहती कि वो नहीं अब मैं समझती हूँ देखें वक्त बदल गया आसान जबान होना चाहिए है ना वो कि लुगत में से ढूंढना पड़े बच्चों को आजकल कौन तो बहुत भारी भरकम लफ्ज़ ना भी हो देखें फराज साहब बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में शायरी करते थे तभी इस कदर मकबूल थे क्योंकि वक्त के साथ बदल जाता है अब आप जो शायर असातिज़ा हैं उनको समझना और फराज साहब को समझना बिल्कुल वही फ़र्क है कि उर्दू कोई सलीस इस कदर होने की ज़रूरत नहीं है लेकिन दुरुस्त उर्दू होनी चाहिए तलफ़्फ़ुज़ पे हाँ क्योंकि इलाके की बात कोई नहीं होती इलाके में आप अगर पठान है ज़रूर आएगा बीच में चेंज मैं पंजाबी हूँ आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा मैं पंजाबी हूँ सिंधी है तो थोड़ा सा उसका वो लेकिन अल्फाज तो दुरुस्त हो ना अल्फाज दुरुस्त होने चाहिए थैंक यू तजुर्बे से कि बेटा हर वक्त बढ़ते रहना चाहिए और किसी से सीख लेना कोई बेइज्जती का काम नहीं होता ना और एंकर्स जो हैं उनको भी अल्फाज अपने पास इकट्ठे रखने चाहिए क्योंकि वोकैबुलरी में जितना आप ऐड करते जाएंगे उतनी आपके दिमाग का जो कंप्यूटर है उन लफ्ज़ों को समोता जाएगा और सबसे ज़्यादा तहजीब हमारी तहजीब ऐसी है हम लोग इस किस्म के लोग हैं यह आपकी आवाज़ से आयाँ हो जाता है तो उस पर ज़रा सा ज़ोर दें यू नो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन फॉर ड्रामेटिक्स स्क्रीन पे आवाज़ ज़्यादा काम करती है या शक्ल ज़्यादा करती है
आजकल तो शक्ल और बाल और सब ये कपड़े ये सब बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप में सॉलिड फाउंडेशन नहीं है बोलने की तो फिर वो कपड़े वपड़े कुछ थोड़े दिन की बात होती है ना। थैंक यू। जो फ़र्क आया है वो किताब से दूरी का है, अपने इब्तदाई इल्म की कमज़ोरी का है, और चूंकि हम किताबी इल्म से भी दूर हो गए हैं तो हम असल में हम उसकी वजह से सही उर्दू बोलना उस नौयत की जिस नौयत का प्रोग्राम अब कर रहे हैं उसकी असली रूह तक पहुंचना ख़त्म हो गया है। ये सिर्फ सेंसेशनल सा ज़माना है, मतलब डिस्पोजेबल चीज़ों का असल में ज़माना है, आ जाए कल गए, पायदारी नहीं रही। जैसे इनकी नस्ल पायदार फ़न दे रही थी, जैसे गुलुकारी पायदार थी, मौसीकी पायदार थी, लिटरेचर पायदार था, वो चीज़ नहीं रही ना। आप आज लेते हैं कल फेंक देते हैं, वो वाला ज़माना है। मैडम कमल के बारे में तो यही कहूँगी कि जो मतलब पहली दफ़ा देखा है इनको, तो जो जैसे ग्रेसफुल पर्सनैलिटी इनकी टीवी पर नज़र आती है, और हम तो यही सोचते हैं कि टीवी पे कुछ और होता है और जो बैक ऑफ द कैमरा दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन ये कि रियली इम्प्रेसिंग। और जो उस दौर और इस दौर के लिए, ना सिर्फ ये कि मीडिया के लिहाज से हम बात करेंगे, जनरली भी अगर आप देख लें तो जो कंटेंट है ना, सब्जेक्ट मैटर है, वो अब कम होता जा रहा है। जैसा उन्होंने भी निशानदेही की कि मीडिया या इस सारी चीज़ में प्रिपरेशन नहीं है और बेसिकली कंटेंट नहीं है और मेहनत नहीं है, जो मैं समझती हूँ कि जनरली लैक है हर तरफ ही, ना सिर्फ ये कि मीडिया जनरली जो भी हमारे पाकिस्तान की या लैकिंग है, वो बेसिकली ये है कि हम मेहनती नहीं रहे अब, और ज़्यादा जो है फेकनेस या मटेरियलिज्म की तरफ ज़्यादा ध्यान है, तो डेफिनेटली फिर उसके लिए वक्त और ये सारी चीज़ें काउंट होती। देखिए मैं तो मैडम को माशाल्लाह मेरी इंस्पिरेशन भी हैं, मेरी रोल मॉडल भी हैं, और मुझे खुशकिस्मती मेरी है कि मैंने और इन्होंने हमने साथ साथ स्टेज पे काम भी किया हुआ है, और मैं समझती हूँ ये हमारे लिए एक आइकॉन के मैार रखती हैं। मेरी तो एक ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइफ, जिसको आप कहते हैं ना कि एक नई ज़िंदगी आपको मिल जाती है, वो है मेरे लिए ये। और इनको जितना जब भी देखें तो एक इंस्पिरेशन, और सबसे प्यारी बात है कि इस इलाके में जहाँ पे एस सच आर्ट की कोई तरवीज कोई तरक्की का सीन नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे अगर ऐसी पर्सनालिटीज़ आ जाएं और अपनी शाम हमारे साथ गुजार दें तो मेरे समझने से बड़ी और कोई बात नहीं है। हमें सबको, मेरे समेत जितनी हमारी नई जनरेशन आ रही है, मैं समझती हूँ ये हमारे लिए रोल मॉडल हैं, जितना कुछ इनसे ले सकते हैं लें। कल हमने नहीं रहना या इन्होंने नहीं रहना, अल्लाह ने इनको लंबी ज़िंदगी दे लेकिन इन्होंने नहीं रहना, लेकिन ये वो लोग हैं जो हमारे लिए इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते हैं। या वेलकम। हाँ बहुत सच है, बहुत सच है।